नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए ले आया हूँ मोर्फो E2। इसकी केबल अगर आपको चेंज करनी है वो किस प्रकार से करते हैं ये देख लीजिए। अगर किसी चूहे ने वायर काटा हो या किसी वजह से कट गया हो, इसको पहले पेचकस से खोल देंगे। इसको साइड में से, इसके ग्लू से मतलब चिपका होता है ये, तो ये साइड में से यहाँ से मतलब खोल देंगे, यहाँ से जैसा कि आप देख रहे हो। खोलने के बाद में इसकी ऊपर का कवर हटा देंगे और ये जो अंदर की जो मशीन है जिससे ये वायर अटैच हुआ है इसको हटा देंगे, इसको अलग कर देंगे। अलग करने के बाद में देख, जैसा कि आप देख सकते हो ये कनेक्टर है, ये इससे जुड़ा हुआ है। इसको इजीली ये निकल जाता है ये, तो ये इसको अपन इसको ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, और एक इस मार्केट में ऐसी नई केबल मिल जाती है, अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं है मार्केट में कहीं पर भी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए ऐसी वाली केबल मिल जाती है बनी हुई विद कनेक्टर। इसको इजीली मतलब इसको इसमें डाल देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ये रेडी है कनेक्ट होने के बाद में। अब एक बार इसको सेल्फ टेस्ट के लिए अपन कनेक्ट करके देखेंगे कंप्यूटर लैपटॉप में। केबल इसको लगा देंगे, ये हल्की सी इसमें लाइट फ्लैश होगी। इसमें अगर लाइट इसमें फ्लैश हो जाती है जैसे कि अभी हुई है तो इसका मतलब आपका कनेक्टर इसमें कनेक्ट हो चुका है इजीली। एक बार फिर से देखेंगे, देखिए अब उसके बाद में दोबारा से इसको इसके जो ऊपर का कवर होता है ये वायर ऐसे इस तरीके से इसमें लगा देंगे। लगाने के बाद में ये ऊपर से इसको फिट करके अच्छे से, और किसी भी जो उसका सॉल्यूशन होता है चिपकाने के लिए वो इसे इसको अपन दोबारा से इसको पैक कर देंगे। इसको तो जिससे कि आपको आपका काम, ये चीज़ आप खुद भी घर बैठे कर सकते हो। ये सब, ये सारे वीडियो जो भी मैं बना रहा हूँ ये आपके फैसिलिटी के लिए घर पे, जैसे कि आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़े और आप इजीली मतलब ये सब चीज़ें कर सकें। थैंक यू।